तो गाइज अभी मैं और शालू जा रहे हैं हॉस्पिटल में फिलहाल चेक करवाने के लिए, क्योंकि उसके ना अड़का अड़का पेन स्टार्ट हो गया। कितने कितने की शर्ट लगा रखी है मोना? 20-20 की, 20-20 रुपए की। छोरी होगी तो 20 रुपए तू देगी, और छोरा होगा तो सीनियर शर्ट देगी। कोई ना कोई इसने कैस्ट्रोल की शीशी लगी बिला दो, उसमें अरंडी का तेल हुए ना, इसका दर्द शुरू हो जाओगे। लेकिन है ना, इसके अड़के अड़के पेन शुरू हो गए। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ सुबह सुबह एक कुरियर लेने के लिए। शालू ने कुछ ऑनलाइन मंगवा रखा था तो वो मैं पिक करने आई हूँ। अब देखो कितनी देर में आएगा, कितनी देर में नहीं, वेट कर दी उसका यहाँ पे। इसमें है, शालू ने ऑनलाइन मंगाए थे कपड़े। तो सबसे पहले चाय पी हूँ। तो यो मंगवाया है सूट नायरा कट, यो तो मंगवाया है ऑनलाइन भी, मतलब अभी चेक करा है कि नहीं। अरे यो है, यो हमने मंगवाया ऑफलाइन, दोनों का कपड़ा टच कर, अरे बता फर्क बता दो। यो थोड़ा सा सॉफ्ट कपड़ा है, यो अड़का सा रफ है, बाकी कोई दिक्कत को। तो यो पूरा सूट मंगवाया है, फ्रॉक प्लस सूट, नीचे प्लाजो, प्लाजो है नीचे से थोड़ी गिली गई थी, कपड़ा चेक करा थे। बताइयो कमेंट करके ना, कैसा लगा कैसा नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करे। तो अभी मस्त बढ़िया वाला फोटो शूट कर लिया है, फोटो है ना लास्ट में करूंगी वीडियो के, देख लियो। बस इसमें है ना एक कमी, इसकी जो चाक है ना, ये वाली चाक, ये छोटी है, बड़ी कर देगी ना ये बड़ी हो जाऊंगी, ये पूरे तक टाका लग जाऊंगा। इसका है ना ज्यादा को नहीं, अड़का अड़का रंग उतरे है, बस एक बार जितना रंग उतरना था ना इसका उतर लिया, बिल्कुल अड़का सा, बिल्कुल लाइट कलर उतरा है। देखो इसका वो स्टार्टिंग में उतरा ही गया ये, तो बाकी अभी इसका दोबारा कलर नहीं उतरा, इतना मैंने भी रहा है। तो फिलहाल मम्मी ने कपड़े फोल्ड करने लग दिए, कल धोए थे सारे कपड़े, तो आज सारे फोल्ड करने लग रही है। 20 यूनिफॉर्म फोल्ड कर ले, मोम फोल्ड, स्लीव मोम फोल्ड, 20 यूनिफॉर्म। आज है 18 तारीख, यानी कि वैसे चालू कर अड़का अड़का पेन स्टार्ट हो गया है, लेकिन है ना मेरे द्वारा फोन आवे, कदे मौसी का आवे, कदे बहन का आवे, कदे किसी का आवे, कि कोई ना कोई इसने कैस्ट्रोल की शीशी लगी बिला दो, उसमें अरंडी का तेल हुए ना, इसका दर्द शुरू हो जाओगे। लेकिन है ना इसके अड़के अड़के पेन शुरू हो गए, तो हम अभी तो है ना डॉक्टर के पास जाके एक बार चेक करवाएंगे, और कल शायद डिलीवरी हो जाए। और बाकी तो मैं इसने कुछ भी लाके कौन पिलाऊंगी साउसा, और डॉक्टर की सलाह के बाद ही मैं इसने कुछ पिलाऊंगी। अगर कुछ जरूरी है ना कि भाई कैस्ट्रोल लाके पिला दो, तो डॉक्टर से पूछूंगी पहले, कंसल्ट करूंगी, उसके बाद लाके पिलाऊंगी, खुद से कुछ भी कौन करा। ये फोन है मम्मी, इसे मिला लिए, ठीक है, मिलाना सिखा दिया मैंने, लपकड़ खड़ी हो ले। हाँ मैंने बेरा है, इरिटेशन हो बहुत हो, मैंने बेरा है, तेरी गलती कौन। अब दुआया दिन देखा, दुआया दिन उठ देखा, दुआया दिन जाने तो ठीक है, कौन देखा अपनी दुआया ना अपनी वाली संतरोली, दुआया दिन उठ मम्मी, हर साल दिवाली की डेट चेंज हो है, डेट हो सारी को आकर मेरी बात सुन, मैं होली तो दो दिन पहले हुई थी, बाले बाले शालू हर साल होली बाले हर नहीं कुमार देखू तो दवाई नहीं, उसको तारीख तक दे जाएगी, 10 दिन पहले भेजा प्रदेश का 500 भेजा, पहला 14 ने बांट दे के देखे, 19 ने बांट दे के, मेरा है ना पेट आ रहा है, बालक होगा इसमें नहीं होगा, होगा जब होगा था चक्कर में पला कटवा ले, कल सवेरे चल पड़ा ठीक चेक करवा के एक बार, जो डॉक्टर नु कहोगी ना हाँ भाई बिरधने का मुंह खुला है तो दर्द शुरू कर, दोनों का बाद ये थोड़ा सा सिकुड़ गया, बाकी एकदम बढ़िया हो गया, सॉफ्ट भी हो गया, हल्का लाल हो गया। अपना चाय का टाइम, मैंने चाय बना ली सभी के लिए। माँ कहती है बेटी को के बेटी तेरे बाप के पास वो मिला बेटी कहती है नंबर बता दिया जो तो फोन पे से पिक कर ऑन करके कहा था ना मेरी माँ ने, वीडियो रिकॉर्ड होगी। तो गाइज अभी मैं और शालू जा रहे हैं हॉस्पिटल में फिलहाल चेक करवाने के लिए, क्योंकि उसके ना अड़का अड़का पेन स्टार्ट हो गया है, तो हम चेक करवा ले एक बार, और शायद कल तक बेबी हो जाए। तो फिलहाल मेरे शालू हॉस्पिटल में जाने लग रहे हैं, आगे मामने मोना मिल जाओगी, और तो बस फिलहाल तो हम दो ही जनी जाने लग रहे हैं यहाँ से। कोई नु कहे कैस्ट्रोल की शीशी ला के पिला दो, इसने दूध में मिला के, कोई नु कहे अरंडी का तेल पिला दो, कोई नु कहे दूध में ना घी मिला के पिला दो, कुछ मतलब पेन स्टार्ट हो जाओगे। लेकिन एक दिक्कत है, कैस्ट्रोल की शीशी ला के पिला दी ने तो ठीक है, लेकिन अगर इसका बच्चादानी का मुँह नहीं खुला और कैस्ट्रोल पिला दिया और पेन हो गया, तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस वजह से मैं कुछ भी कौन पिलाऊँ, और फिलहाल बस अब है ना हॉस्पिटल में जाके हम चेक करवाने लग रहे हैं। तो अभी चालू जा रही रिपोर्ट लेने का, तो भगवान ए भगवान सब कुछ ठीक हो, बस डर लागे
उसने को लगता लेकिन मन में लगा सब कुछ ठीक हो जावे बाकी ठीक तो है ही सब कुछ लेकिन डर हो ही जावे मन में। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा। तो हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं हर चीज खास है अब है जो है वो समा है। तो फिलहाल जा रहे हैं ऊपर बढ़िया है दिल्ली दे वाला खुश होना चाहिए इंसान या पूरी खुश हो रही है। कितने कितने की शर्ट लगा रखी है मोना 20-20 की ₹20 की छोरी होगी तो 20 रुपए तू देगी और छोरा होगा तो सुनने से देगी की में हो जाओ चे कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं। देख मैं बताऊँ मैं चाहूँ भाई छोरी हो मारे छोरी हो तेने वहां 16 तारीख खाली बात बताई वो देखने के तो तो गाइज हम हॉस्पिटल में गए थे आज मैं और शालू साथ में उसका हस्बैंड भी गया था और साथ में मेरी फ्रेंड है मोना वो भी गई थी। तो वहाँ पे हमने रूटीन चेकअप हम सिर्फ है ना चेक करवाने के लिए गए थे कि क्या मतलब अपडेट है क्या नहीं है क्योंकि शालू को हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया था बिल्कुल हल्का हल्का। तो फिर वहाँ पे गए हमने चेक करवाया ओपीडी वगैरह में सब जगह चेक करवा लिया। तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि इनको जो कैस्ट्रोल है ना वो दे दो पेन स्टार्ट हो जाएगा लेकिन हम ऐसे दवाई दे के पेन स्टार्ट नहीं करना चाहते हम अभी कुछ दिन और वेट करेंगे। और अभी मैं खुद भी आपको फिक्स डेट नहीं बता दे सकती हम सोच रहे थे पहले हम 14 को डिलीवरी करवा ले लेकिन नहीं करवाई क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते ना। और फिर मैंने बोला था कि हम 18 या फिर 19 को करवाएंगे लेकिन हम ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते मैंने पहले ही बोल दिया है हम लेबर पेन स्टार्ट होने का वेट करेंगे फिलहाल हम 3 या 4 दिन और वेट करेंगे लगभग में बाकी मैं कुछ नहीं कह सकती आने वाले मेरे व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा कि हम कब कराएंगे। बस हम वेट करेंगे कि कुछ दिन में इसका लेबर पेन स्टार्ट हो जाए अगर कुछ दिन में स्टार्ट हो गया तो फिर है उसके बाद तो फिर करवानी ही पड़ेगी चाहे कुछ हो जाए। 5 दिन का कोई तो आगा नहीं कोई पाछा नहीं और दिवाली के दिन मेहमान आ जाए तो इससे बड़े खुशी क्या हो सकती है। मैं भी दिवाली के दिन आई थी मम्मी ने डॉक्टर भी रह के बोले कैस्ट्रोल की शीशी दे दी बोली रात नहीं आ दे दियो और सवेरे ले आइयो और चेक करवाया था बोले बच्चा दानी का जो मुंह है ना वो बिल्कुल बंद है खुला को नहीं है बिल्कुल भी और फिर कैस्ट्रोल की शीशी दे देंगे दर्द स्टार्ट हो जाओगा और बच्चा दानी का मुंह खुला को नहीं है तो ऑपरेशन से करेंगे ऑपरेशन से डिलीवरी करेंगे जो कि हम कौन चाहते हम चाहवा कि नॉर्मल डिलीवरी हो है तो हम वेट कराएंगे थोड़ा सा। मैं है ना अब है ना मैं रियलिटी में कोई भी डेट कौन बताऊँ कि हम इस दिन डिलीवरी करवाएंगे मैंने बस है ना हम वेट कराएंगे लेबर पेन स्टार्ट होने का कि लेबर पेन स्टार्ट हो जाए हम नेचुरल डिलीवरी ही करवाऊँगा। और कुछ दिन में दिवाली भी आने वाली है 24 अक्टूबर की दिवाली है तो शायद हमारे घर पर 24 अक्टूबर के आसपास ही लक्ष्मी आ जाए तो मोस्ट वेलकम है जो भी आओगा तहे दिल से उसका स्वागत कराएंगे। और आज के इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगा तो आज के इस व्लॉग में इतना ही दैट्स ऑल दिस इज द एंड कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ में तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए और सभी दिवाली की तैयारी में लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं दिवाली की तैयारी में हम तो दो तैयारी में लगे हुए हैं एक तो बेबी की और एक दिवाली की। तो बस बाय बाय आज मैं जल्दी व्लॉग का एंड कर रही हूँ बाय बाय।